हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। आनंदी, न शोर मचे, खूब बिजली बचे, न मुश्किल सफाई, होले होले चले। आनंदी आटा चक्की, फर्क तो दिखेगा। जलगांव महापालिका और पुलिस प्रशासन की लापरवाही और लालच से किसी दिन बड़ा बवाल हो जाएगा, इस बात में कोई शंका नहीं रही है। रेलवे स्टेशन परिसर में बाबा साहब के पुतले के पास देर रात तक चाय पानी नाश्ता चलता रहता है, जबकि रात को 10 बजे से ही बाकी जगहों की दुकानें पुलिस बंद करवाने लगती है। यहां रेलवे स्टेशन परिसर में दारूबाजों का जमावड़ा बढ़ता है और फिर हंगामा भी होता है, और यही हुआ शनिवार को भी, जब वहां नाश्ते की गड्डियों पर झगड़ा हो गया। ऐसे में अगर महापुरुष बाबा साहब के पुतले का अपमान हो जाए तो एक नया बवाल शुरू हो जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होता रहता है, किंतु पुलिस प्रशासन बिंदास इस ओर आंखें बंद ही रखता है। अब ऐसा क्यों है ये बताने की आवश्यकता तो शायद आपको नहीं है, लेकिन जलगांव के समझदार नागरिक पुलिस सुप्रीमो से ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन परिसर में होने वाले इन लफड़ों को बंद करें जो पुलिसिया लापरवाही से हो रहे हैं। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। इतना एक्टिव है रोहन, शाळेत जायला लागला ना, म्हणून तर एक्टिव झालाय। रोज लँड मध्ये जातो, राहुलला पण तिथेच पाठव। 50 वर्षांची परंपरा आहे, शाळा मध्यवर्ती ठिकाणी आहे, वातावरण चांगलं आहे, भरपूर ऍक्टिव्हिटीज आणि पब्लिक स्पीकिंग शिकवतात। नर्सरी ते 10वी पर्यंत ऍडमिशन सुरू आहेत, आजच जाऊन भेट। मिसेस डीएस खिमानी यांनी साकारलेले रोज लँड इंग्लिश मीडियम हायस्कूल, 238 ख्वाजा मियां रोड, जळगाव। मिसेस डीएस खिमानी यांनी साकारलेले रोज लँड इंग्लिश मीडियम हायस्कूल। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।